हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की हमने दो लेक्चर्स कर ली हैं, जिसके अंदर सेकेंड लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की आज क्लास रहने वाली है, तो लिख लो सारे मेरे साथ न्यूमेरिकल्स। आप करते हैं न्यूमेरिकल्स, पहला जो अब हमने करना है पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। क्या करना है? पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स, तो लिख लीजिए पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स, ठीक है। करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर वन, मेरे पास इस तरह का एक ट्रायंगल है, यहां पर चार्ज प्लस क्यू, यहां पर चार्ज प्लस क्यू, यहां पर चार्ज प्लस क्यू, इज इट क्लियर। तीन मेरे पास जगह है ए बी सी, वर्टेक्स ए बी सी ट्राइंगल, इट इज ए, इट इज बी एंड दिस वन इज सी, राइट। यहां लिख देते हैं। अब क्या है, सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है फाइंड, पहले क्वेश्चन में फाइंड, यहां लिख देता हूं फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन वर्टेक्स सी। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस क्यू एट वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी पर जितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में आपने मुझे आज बताना है, ठीक है। यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, यहां पर चार्ज क्या प्लस क्यू हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, और ये साइड आपको ए ए गिवन है, इज इट क्लियर। तो सबसे पहली बात, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन होगा, तो फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वेक्टर डायरेक्शन, क्लियर। सिमिलरली बी सी पे फोर्स लगाने वाला है इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी दिस वन। बात समझ में आ रही है आपको? अब हमने क्या करना है, दो चार्जेस की वजह से, इस चार्ज पे जो वर्टेक्स सी पर है, जो चार्ज है वर्टेक्स सी पर, वहां पर दो चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, कौन सा? एक ए की वजह से जो प्लस क्यू चार्ज है, और बी की वजह से प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस प्लस रिपल्शन करने वाले हैं, तो डायरेक्शन फोर्स की ये, यहां पर डायरेक्शन ये, और हमने पढ़ा ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स पे लगते हैं, ऐसा नहीं है फोर्स इधर उधर लग जाएगा, ठीक है। अब एक काम करें, अब एक क्या करें, आपके पास ये आ चुका है, ठीक है, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली ये क्या है 60 डिग्री, और यहां पर भी कितना क्या होने वाला है 60 डिग्री। तो चेक करिए, अब इसका रिजल्टेंट फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास यहां है एफ सी बी, और यहां है मेरे पास एफ सी ए, ठीक है। पहले फोर्स निकाल लेते हैं। अब बी की वजह से जो सी पर फोर्स लग रहा है, तो वो कितना होगा? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स का फॉर्मूला बताइए, के क्यू, के इंटू क्यू, चार्ज तो क्यू है, इंटू क्यू, दूसरा चार्ज भी क्यू है, क्यू स्क्वायर कर दूं, अपॉन आर स्क्वायर, तो अपॉन ए स्क्वायर, समझ गए। अब सिमिलरली फोर्स जो सी पर ए लगा रहा है वो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चेक कर लीजिए, यहां पर भी दोनों में चार्ज क्या है, क्यू है, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, तो के और बीच में डिस्टेंस ए है, तो अपॉन ए स्क्वायर, तो ये तो पढ़ा था ना फोर्स के क्यू क्यू इंटू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों फोर्सेस आ चुके हैं, और दोनों फोर्सेस किसके इक्वल है, अगर मैं देखूं तो दोनों फोर्सेस इक्वल नजर आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूं, दोनों फोर्सेस एफ के इक्वल है, बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू एफ, ये दोनों सेम है, एफ मान लेते हैं इसको। अब देखिए, तो यहां पर भी रिजल्टेंट फोर्स एफ है, यहां पर भी रिजल्टेंट फोर्स एफ है, ठीक है। तो यहां पर मैं एफ एफ लिख सकता हूं, तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पर भी क्या है, एफ है, और यहां पर भी क्या है, एफ है। अब आपको पता है ये है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाने वाला है, बिल्कुल सेंटर से। जिसको नहीं पता वो उसको वो भी सीख लेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये पूरा एंगल था 60 डिग्री, कंप्लीट एंगल, और ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, जो यहां से जाने वाला है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकाले, बताइए, शुरू करते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, फॉर्मूला था इसका, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे आप, ये वाला रिजल्टेंट है, इसका फॉर्मूला है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, डोंट वरी, अगर नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। यहां जो फोर्स लग रहा है ये है ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, याद कर लो रिजल्टेंट। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। देखो ए स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, ये मान लो ए है, और ये बी प्लस बी स्क्वायर वो भी एफ स्क्वायर है, प्लस टू ए बी, ए की जगह क्या लिखूं एफ, इंटू बी की जगह भी एफ, इंटू कॉस थीटा, और एंगल के बीच का कितना है इसका 60 डिग्री है। फॉर्मूला डोंट वरी, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, ये ए है ये बी है, अगर ये मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ ये वाला, ठीक है, फोर्स मान लो या कुछ और रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। याद कर लो आज से, नो प्रॉब्लम। अब लगा दो यहाँ पर वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या आने वाली है, चेक योर वैल्यूज, वैल्यूज आने वाली है एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर हो गया, प्लस ये टू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन 30 वन बाई टू, कॉस 60 भी वन बाई टू, टू से टू कट गया तो कितने आ गए, रूट थ्री एफ स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट थ्री एफ स्क्वायर, और इसको बाहर निकाल लूँ तो क्या ये एफ रूट थ्री नहीं हो जाएगा, कितना हो गया एफ रूट थ्री, ठीक है, और एफ रूट थ्री और एफ की वैल्यू आपके पास है कितनी है, एफ की वैल्यू देख लूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो रिजल्टेंट जो फोर्स था वो यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देता हूँ, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन वर्टेक्स सी, है ना, ये क्वेश्चन था ना, तो अभी रिजल्टेंट फोर्स कितना आ चुका है हमारा, रिजल्टेंट फोर्स आ चुका है हमारा रूट थ्री एफ स्क्वायर, मतलब एफ रूट थ्री। अब एफ की वैल्यू लगा दो, एफ की वैल्यू क्या है आपकी, एफ की वैल्यू सेम है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट थ्री आगे लगा दो चाहे, दिस वन इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई, और हमारा आंसर आ गया, दिस वन इज आंसर। तो एक काम करिए, समझ में आ गया होगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं आगे। अब देखिए मैं पोजीशन बस चेंज कर रहा हूँ और सब आसान है, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ट्राइंगल सेम रहेगा, चलो मिटा देते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स ही निकालना है यहाँ पर, बहुत इजी है, तो करते हैं शुरू। तो क्या करें, मैं काम करता हूँ, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हम कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर वर्टेक्स ए पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू ले लेते हैं, ठीक है, वर्टेक्स ए बी सी मान लो चाहे, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वर्टेक्स ए, यहां का मुझे बताना है आपने, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए पे कितना रिजल्टेंट फोर्स है आपको मुझे बताना है, ठीक है, करिए सारे ट्राई, तो चेक करिए, तो चार्ज प्रेजेंट है वर्टेक्स ए पे वो कितना है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू फोर्स ये लगेगा, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू फोर्स की डायरेक्शन फिर सेम ये रहने वाली है, मतलब ये मान लीजिए दोनों फोर्स। अब सबसे पहले फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना आने वाला है, और ये ए ही है, डोंट वरी ये सब ए है, तो कितना आने वाला है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर क्योंकि ये भी क्यू अपॉन ए स्क्वायर मतलब ए ही है पहली इक्वेशन। बट याद रखिएगा यहाँ जो माइनस क्यू है डायरेक्शन उसकी ये है, डायरेक्शन अगर दोनों पॉजिटिव होते तो अपोजिट होती, ठीक है, यहाँ माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, जब डायरेक्शन की बात आएगी तब कर लेंगे। अब फोर्स ए पर सी भी लगा रहा है, ए पर सी भी फोर्स लगा रहा है, कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों जगह क्यू है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी फोर्स वही, इन अ सिमिलर वे दोनों फोर्सेज हैं सेम, दोनों फोर्सेज हैं सेम, मतलब एफ ए जो बी पे लगा रहा है, मतलब ए पर जो बी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ए सी, ए पर जो सी लगा रहा है, दोनों ही एफ के इक्वल हैं, देख लो दोनों की वैल्यू मैंने मान ली क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, दोनों की वैल्यू भी लिख देता हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। अब क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, अब इस वर्टेक्स का निकालना है, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इसको बाहर निकालू जरा, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उनको भी समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ए है, अब यहां पर फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है, ए बी सी बोल देते हैं, चलो अब क्या होने वाला, रिजल्टेंट के बीच से जाएगा नहीं जाएगा, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट फोर्स सेम फॉर्मूला
अभी मैंने सिखाया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, एफ रिजल्टेंट निकाल लो। एफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दिस वन ए स्क्वायर, ए कितना है वो भी एफ स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर मतलब ये भी एफ है और ये भी एफ है, प्लस बी स्क्वायर, बी भी कितना है एफ स्क्वायर, प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू एफ इंटू एफ कॉस थीटा, थीटा इस बार कितना है, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 हो गया, तो ये पूरा 60 है, जैसे वैल्यू की जरूरत पड़ रही है लगाते जा रहे हैं, इंटू कॉस 60 कर लो। ठीक है, अब देखो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो कितना आया, टू एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब सीधा कर देता हूँ, टू एफ स्क्वायर प्लस ये बना एफ स्क्वायर टू है इंटू कॉस 60, फिर 1/2, फिर ये कटा, फिर आ गया रूट 3f। ठीक है, थ्री एफ स्क्वायर लिख देते हैं पहले, 3f स्क्वायर और फिर जो वैल्यू आई वो क्या आई, रूट 3 इंटू एफ। ठीक है, अब f की वैल्यू यहां लगा दो, f की वैल्यू पुट अप कर दो और फाइनल आंसर वहां लिख दो, फाइनल आंसर आप यहां पर लिख दो क्योंकि f r पूछा था ना वर्टेक्स a पर, तो फिर मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं, लिखा हुआ है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन वर्टेक्स a, जो चार्ज वर्टेक्स a पर है वहां रिजल्टेंट फोर्स बताओ। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आने वाला है, जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो रूट 3f है ना, रूट 3 इंटू एफ की वैल्यू लगा दो, एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल, कहानी बहुत आसान है। क्या किया, पहले तीनों पॉजिटिव थे तो रिजल्टेंट फोर्स सी पर पूछा था तो वो दोनों अपोजिट लग रहा था, यहां पर क्या है माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये, इस फोर्स की डायरेक्शन ये, और इसका रिजल्टेंट आने वाला है बीच से, तो बीच से रिजल्टेंट आ गया। और फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बहुत सिंपल से कहानी है, आगे करते हैं, कर लीजिए। अब मैं कर रहा हूं पॉलीगॉन चेंज, ठीक है, अब देखो पॉलीगॉन चेंज कर रहा हूं तो पॉलीगॉन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है ना एक्चुअल में जो चार्ज वहां प्रेजेंट है उसके ऊपर लग रहा है ये। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वर्टेक्स ए का मतलब है कि जो चार्ज ए पे प्रेजेंट है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं वो। अब देखो मान लीजिए पॉलीगॉन चेंज कर देते हैं, पॉलीगॉन ले लेते हैं ये, ठीक है मैंने पॉलीगॉन ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज और यहां माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, यहां क्या होने वाला, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स बताइए, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो फाइंड सेम क्वेश्चन रिजल्टेंट फोर्स या फाइंड एफ नेट नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू या माइनस क्यू है ना एट डी पर बताइए नेट फोर्स कितना आ रहा है। अब जो आसानी सी बात है, सिंपल सी, सी की वजह से डी पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन होगी ये, बी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन होगी ये, से साफ दिख रहा है, और इसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। भाई देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं शुरू से, फोर्स लग रहा है सी की वजह से डी पर, तो डी पर फोर्स लग रहा है सी की वजह से, कितना लग रहा है के क्यू, ये सारे ए हैं, इसकी कंफ्यूजन मत रखना, ये सारे ए हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पहली चीज क्लियर हो गई। इक्वेशन वन ना मानो इसको क्योंकि दोनों को फोर्स को एफ के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, पहली चीज यहां माइनस प्लस की कोई टेंशन नहीं, केवल डायरेक्शन के लिए कि डायरेक्शन ऐसी है और इधर है। ठीक है, अगर प्लस होता तो उधर डायरेक्शन होती है, तो वो माइनस का कोई चक्कर नहीं यहां पर, वो जब आएगा बता दूंगा मैं। अब यहां पर क्या है, सिमिलरली डी पर बी की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है तो लगा दो फोर्स। अब डी पर बी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन का मतलब नहीं अभी हमें। अब क्या करने वाले हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन, क्योंकि चार्ज क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस इसके बीच के है और दोनों इक्वल है, दोनों को एफ के इक्वल कर दो, दोनों को एफ के इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, इसको एफ मान लिया, चलो ठीक है। लेकिन यहां पर एक कहानी और है, इसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से भी इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से, किसकी वजह, इसकी वजह। और आपको पता है ये सेंटर है, अगर ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये ए है ना, और ये ए तो आपको पता है ये जो होता है ये, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, चलो ठीक है, अच्छा क्या ऐसे बना देते हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है, और थोड़ा घिचपिच हो गया, ऐसा बना देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ये डायगोनल है।
अब मुझे बताओ डायगोनल की साइड अगर निकालनी, देखो इसके डी के ऊपर ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन इसका ए, ए का क्या होता है साइड, साइड ए थोड़ी है, ये तो चलो ए थी, ये भी साइड ए थी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ए थी, लेकिन यहाँ ए थोड़ी है, ये डिस्टेंस पता करो पहले कितनी है। तो आपको पता है स्क्वायर के अंदर डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, रूट टू डायगोनल जो होता है रूट टू इंटू साइड होता है, तो साइड स्क्वायर की क्या है ए है, तो रूट टू इंटू ए हो गया हमारा क्या डायगोनल हो गया, या ए रूट टू बोल दो या रूट टू ए बोल दो, ठीक है। मतलब समझ गया मेरी बात कि अगर हमें स्क्वायर दे रखा होता है जो जितनी उसकी साइड होती है डायगोनल होता है रूट टू इंटू साइड, तो साइड है उसकी ए। अब चलो करते हैं, अब इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से भी लगा, किसकी वजह से, ए की वजह से डी पर, तो डी पर लगा ए की वजह से, ठीक है, क्या लगा के क्यू स्क्वायर, तो दोनों का चार्ज तो वही है, अपॉन अपॉन क्या आर स्क्वायर, आर क्या है रूट टू ए है, तो अपॉन रूट टू ए का स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत तो नहीं है, और फोर्स की डायरेक्शन होगी ये ऑब्वियसली माइनस प्लस, ये डायरेक्शन होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअल में अभी निकालेंगे। अब इसका आंसर निकालते हैं, पहले के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया टू ए स्क्वायर, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, या थर्ड इक्वेशन या कुछ ऐसे मान लेते हैं अभी। अब देखो अब रिजल्टेंट जो फोर्स है, अब देखो एक तो डी की वजह से ए लगा रहा है वो फोर्स तो आ रहा है ये, और एक इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये तो इन दोनों का आया रिजल्टेंट, इन किसका, इन दोनों का, और ए की वजह से जो डी पर फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी ये है, तो इसका मतलब पहले हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा वो भी इसकी डायरेक्शन ये, फिर ये वाला फोर्स उसमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके इसके ऊपर डी का पूरा फोर्स आएगा। तो पहले काम करिए, क्या करें, रिजल्टेंट निकाल लें इन दोनों का, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, ये डी था और ये बी और ये सी था, अब ये रिजल्टेंट पहले निकालो, ये वाला रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा एफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, एफ आर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला इन दोनों का पहले, तो कितना आने वाला है, दोनों वैल्यू गिवन है, ऐड कर दो दोनों को, क्या ऐड कर दो, याद करो कैसे करना था, रिजल्टेंट इसके बीच का एंगल कितना है 90 है, तो अब करो इसको, रिजल्टेंट क्या था ए स्क्वायर, तो ये भी एफ स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, भाई ये दोनों के फोर्स तो सेम था, प्लस टू ए बी कॉस, देखो एफ की इक्वल है ना, प्लस टू ए बी कॉस थीटा, प्लस टू इंटू ए, ए बी एफ, बी बी एफ और कॉस हो गया 90, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कंफ्यूज ना हो जाना आप, रिजल्टेंट थोड़ा नीचे निकाल देते हैं, आप देखो ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एफ स्क्वायर कर दिया मैंने, कॉस 90, कॉस 90 होता है जीरो, कॉस 90 होता है जीरो, ये पार्ट हो गया जीरो, यहाँ बचा टू एफ स्क्वायर, यहाँ बचा टू एफ स्क्वायर, एक काम करो एफ बाहर निकाल लो, एफ रूट टू बचा, ठीक है, अब ये तो आया एफ रूट टू, लेकिन यहाँ पर एक अब ए की वजह से भी लग रहा है इसके ऊपर, उसको भी ऐड कर दो इसमें, तो टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा। अब टोटल फोर्स एफ नेट निकालते हैं, तो जो एफ नेट निकाला मैंने, एक तो रिजल्टेंट निकाला, ये रिजल्टेंट फोर्स प्लस एक और फोर्स है जो ए की वजह से डी पे लग रहा है, आप दोनों को कर दो ऐड, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या था इसका, इसका रिजल्टेंट फोर्स आया है एफ रूट टू प्लस इसका जो आया है कितना है डी ए का के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आया टू ए स्क्वायर। एक काम करो एफ की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ रिजल्टेंट में एफ की वैल्यू अगर पुटअप करूंगा तो क्या आएगी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू है हमारी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी लिखा दो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, दोनों में ले लो कॉमन, दोनों में ले लो कॉमन, तो यहाँ कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, क्या किया दोनों में कॉमन क्या लूँ मैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा क्या बताओ के क्यू रूट टू बचा, ये रूट टू भी है तो रूट टू आगे लिख दो, बचा रूट टू प्लस वन बाई टू, बस हो गया रूट टू प्लस वन बाई टू, देख लो यार रूट टू बचा प्लस वन बाई टू बचा के क्यू स्क्वायर पर ए स्क्वायर आ गया बाहर, दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, अब देखिएगा अगर मैं इसी को पॉलीगॉन को
स्क्वायर के पॉलीगॉन के बीच में एक चार्ज रख दूं, ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा फोर्स पे, वो चेक करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां एक चार्ज रख दिया, कहां, मैंने यही स्क्वायर लिया, ठीक है, यहां पर प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, यहां पर भी प्लस क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू, बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया, ये वाला, ये रख दिया प्लस बिग क्यू। अब देखो जरा, ये आर और ये भी आर, ये तो पता ही है, चलो आर तो चलो बाद की बात है, पहले इसको मिला देते हैं। अब देखिए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, फाइंड एफ नेट एट प्लस क्यू, जो सेंटर पे प्लस क्यू, उस पर नेट फोर्स कितना है। अब देखो इस प्लस क्यू की वजह से ये जो चार फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे लगाएगा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब और ये लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो बताओ क्या हुआ, क्या ये कंडीशन नहीं आ गई, चेक करो यहां। अब यहां पर अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लो, तो यहां पर क्या है, इसको ओ मान लो, तो यहां पर फोर्स ओ पर किसने लगाया, ए ने, उसकी डायरेक्शन है ये, और यहां पर जो फोर्स लगाया ओ पर किसने, सी ने, उसकी डायरेक्शन है, और दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, चेक करो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है यार, ओ ए और ओ सी का मैग्नीट्यूड निकालो, इक्वल आएगा, एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के इसके आर मान लो डिस्टेंस, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, एफ इज इक्वल के क्यू स्क्वायर, के इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है, छोटा क्यू है, एक बड़ा क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर, आर है, आर ही है, ठीक है। ये तो ओ पर ए ने जो लगाया वो ने निकाल लिया, अब यार निकालना ओ पर बी सी ने लगाया, वो भी सेम आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अभी लेकिन नेगेटिव साइन ले लो क्योंकि दोनों का फोर्स की डायरेक्शन अलग है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, डायरेक्शन दोनों की सेम है और डिफरेंट है, एक इधर जा रहा है किधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होने वाला है, दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट होने वाले हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का ऐड कर दो इन दोनों को, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, जीरो न्यूटन, ठीक है, इसका मतलब हमें जीरो फोर्स मिलने वाला है। सिमिलरली यहां देख लो, तो ये एक सिमेट्रिकल चार्ज हो गया, मतलब सिमेट्रिकल है, इधर भी प्लस क्यू वो इसको लगा रहा है, इधर ये इसको, दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं, देख लो ये इधर सिमिलर, ये भी यही बात है, ये भी ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे फोर्स, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे केसेस में रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या मिलता है, नेट फोर्स मिलता है जीरो, बात समझ गए। और यहां पर आप देखो बी लगाएगा ऊपर किस डायरेक्शन में, नीचे को, और डी लगाएगा ऊपर को, और दोनों का चार्ज भी सेम है और सेम इंपैक्ट रहेगा फोर्स का, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा जीरो। ऐसे के बोलते हैं सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि सिमेट्रिकल चार्ज है इसलिए हो रहा है, ठीक है, मैं रिमूव करता हूं इसको। और सिमेट्रिकल चार्ज के एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, आप एक काम करो, ये सर्कल लो और ये प्लस क्यू चार्ज यहां रख दो, ठीक है, आप देखो इस तरह से, ये भी हो सकता है सिमेट्रिकल है बिल्कुल, नेट फोर्स क्या मिलने वाला है यहां पर भी, यहां पर प्लस क्यू लिख देता हूं, प्लस क्यू, तो नेट फोर्स जीरो मिलने वाला है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये डायरेक्शन, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या मिलने वाला है इसमें भी, सिमेट्रिकल चार्ज वाले में नेट फोर्स जीरो मिलता है, याद रखिएगा बस समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, तो रिमूव करता हूं, इसका कोई काम है नहीं। अब चलते हैं आगे, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं फिगर को, अब मैं क्या करूं कि अगर बीच में चार्ज को इस तरह से एक फिगर बना देते हैं, क्वेश्चन है ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू, यहां कर देते हैं माइनस क्यू, ठीक है, और बीच में चार्ज प्लस क्यू रहने देते हैं, अभी ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, क्यों, यहां माइनस क्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली आर है, ये डिस्टेंस भी आर है क्योंकि स्क्वायर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, बताओ एफ नेट बताओ, और यहाँ पर डी पॉइंट पे, ठीक है, ए बी सी डी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी, तो एफ फाइंड
फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस क्यू एट सेंटर. सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्यू, उस पर रिजल्टेंट फोर्स बताओ, इस पर बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा. आप देखो इस पर किस किस वजह से, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं. देखो ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये उसको उधर फोर्स लगा रहा है, चार्ज भी सेम है, फोर्स भी सेम रहेगा दोनों का और दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट. चेक कर लो चाहे भाई, ऐसे ही हो रहा है ना. देखो ऐसा है, एक ये है और एक ये है, ये बीच में पॉइंट आ गया. यहां जो फोर्स लग रहा है किस क्या लग रहा है, क्यू पर या ओ बोल दूं, ठीक है सी बोल देते हैं, सेंटर पर. सी पर जो फोर्स लगा रहा है कौन, बी, उसकी डायरेक्शन ये है. और यहां फोर्स सी पर लगा रहा है डी, उसकी डायरेक्शन ये है. डायरेक्शन रिवर्स है दोनों की और मैग्नीट्यूड भी सेम है. निकाल के देख लो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो. एफ सी बी चेक कर लो इसको, एफ सी बी और एफ कौन सा, सी पर जो डी लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्स हो गए कैंसिल. नेट रिजल्टेंट फोर्स यहां तो मिला जीरो. लेकिन आप यहां देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है और ये प्लस क्यू इस सी पर जो फोर्स लगा रहा है प्लस क्यू पे, वो भी इधर लगा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन है सेम. क्या ऐसा नहीं हो रहा, चेक करो. प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से लग रहा है एक फोर्स, वो ये है, और प्लस क्यू पे ये वाला प्लस क्यू जो ए वाला लगा रहा है वो भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये दोनों फोर्स होने वाले हैं क्या, एड. ठीक है डायरेक्शन ले लो, एड होने वाले दोनों. तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स जो आने वाला है एफ रिजल्टेंट, वो क्या आने वाला है कि फोर्स बाय ऑन सी बाय ए प्लस, दोनों के डायरेक्शन है सेम, प्लस फोर्स ऑन सी, इसको सेंटर मान लीजिए, ये भी सी है ना, तो इसको क्या बोले, अब सी मैंने लिख दिया है, इसको सी मैंने सेंटर बोल दिया है, इसको सी बोला है, तो ये बड़ा सी मान लो, ये बड़ा सी है छोटा सी है, फोर्स ऑन सी बाय बिग सी, ऐसे कर देते हैं. ठीक है दोनों का रिजल्टेंट ऐड कर दो, और फोर्स ऑन सी बाय ए कितना आएगा, सीधा ये कर देता हूँ, के क्यू क्यू अपॉन आर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, ये भी इधर है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ माइनस मत लगाना. ठीक है अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो, कितना आ गया, टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया. ठीक है चेक कर लो जे, तो ये फाइनल आंसर हो गया, हैंस प्रूफ्ड या फिर फाइनल आंसर हमारा आ चुका है. कितना रिजल्टेंट फोर्स आया है, टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है एक किसकी वजह से और एक किस, हाँ टू आएगा ना, तो टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ चुका है. एक काम करिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे. रिमूव करता हूँ इसको मैं, तो पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स हमारे लगभग हो गए फिनिश. ठीक है अब करते हैं सेकंड टाइप इसका, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप. ठीक है थर्ड चार्ज इन इज इन इक्विलिब्रियम टाइप, तो थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम टाइप, तो यहां डालिए थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम टाइप, इक्विलिब्रियम टाइप. अब जैसे मानो दो चार्जेस हैं मेरे पास, एक है चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, और एक चार्ज है ये है मान लो प्लस फोर क्यू. ठीक है यहां लिख देते हैं प्लस फोर क्यू, उधर नीचे लिख देते हैं ये चार्ज है प्लस फोर क्यू. ओके अब देखो यह थोड़ा पॉइंट यहां बना देते हैं. अब देखो इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस कर दिया, ठीक है कर दिया. अब ये दो चार्जेस हैं, अब तीसरा एक चार्ज मेरे पास, एक पॉइंट चार्ज है, मैं उसको कहां रखूं, मेरे पास एक तीसरा चार्ज है मैं उसको कहां रखूं ताकि वो इनके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए. समझ रहे हैं, मेरे पास एक और चार्ज है थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम टाइप, उसको मैं कहां रखूं ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. ठीक है अब मेरी बात समझिए, थर्ड चार्ज कहां रखूं बताइए, मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट या क्यू प्लस क्यू मान लो. ठीक है उसको मैं कहां रखूं,
तो हमेशा याद रखिए, अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपको दे रखे हों, बिना सोचे समझे, तो दो अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखे हों, अगर आपने एक टेस्ट चार्ज बीच में रखना हो, मतलब एक थर्ड चार्ज बीच में रखना हो, टेस्ट चार्ज ना बोलें उसको, चार्ज बोलें, थर्ड चार्ज अगर बीच में रखना हो, तो उसको हमेशा दो अगर पॉजिटिव हों तो उसके बीच में ही रखें, मतलब इसके पास रखना पड़ेगा, इस चार्ज को यहां रखना पड़ेगा, मान लो एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, वो चार्ज मैंने रख दिया यहां पर प्लस क्यू। अब क्यों? क्योंकि ये इसको फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो अगर ये इसके पास होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, छोटा चार्ज है तो वो तो बड़ा चार्ज है, वो ज्यादा जोर से फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो यहां मतलब थोड़ा सा इस साइड को ये चार्ज आना चाहिए, स्मॉल चार्ज की साइड। अब इसने इस पे फोर्स लगाया टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड चार्ज मान लीजिए, तो फोर्स ऑन, क्या फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू वन, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू वन, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और इसने लगाया फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू टू, बात आ रही समय में, मतलब देखो फोर्स की डायरेक्शन अलग हो गई, या F2 F1 बोल दो, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो F1 F2 भी बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाले ने फोर्स की डायरेक्शन लगाई इधर है वो, और सेकंड वाले ने इधर लगाया, क्योंकि दोनों रिपल कर रहे हैं। अब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस l माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को आप l ने l लेट किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस को अगर मैं l लेट करूंगा तो अगर यहां जो मैंने रखा उसकी डिस्टेंस अगर मैं x लेट कर लूं तो ये टोटल ये इतनी हो जाएगी, पूरे में से ये माइनस कर दो l माइनस x हो जाएगी, बात समझे या नहीं समझे, समझ लो टोटल डिस्टेंस l ही लेनी होती है, ठीक है। अब देखो, अब इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब एक्चुअल में अगर इसको बैलेंस होना है, अगर इक्विलिब्रियम होना है, तो फोर्स जो वन लगा रहा है और जो फोर्स टू लगा रहा है वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे भाई, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है ताकि ये बिल्कुल इस पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये छोटे चार्ज के पास है, इसलिए ये इसके फोर्स तभी ज्यादा लगा पाएगा जब ये चार्ज छोटे चार्ज के पास होगा, क्योंकि वो तो फोर्स लगा ही रहा है, तो इक्विलिब्रियम यही कहीं आएगा, ठीक है, इन बिटवीन द चार्जेस टुवर्ड्स द स्मॉल चार्ज, चार्ज की तरफ आएगा। अब देखो, तो जो F1 लगा रहा है F2, अगर दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब ये चार्ज हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, आराम से बैठा हुआ है, इस पर कोई फोर्स अब लग नहीं रहा। अब अगर ऐसा पॉसिबल है तो F1 की क्या वैल्यू आएगी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर चेक करो, आर है एक्स, देखो इन दोनों की डिस्टेंस एक्स तो है, इज इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर, क्यू है इसका फोर क्यू और एक है क्यू, तो के क्यू इंटू फोर क्यू, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, एल माइनस एक्स है, तो उसका स्क्वायर कर दो, बात समझे, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, हो सकता है यहाँ से कैंसिल, ठीक है। अब L माइनस एक्स, अब क्या बचा, इस Q से ये Q भी कैंसिल, इस Q से ये Q भी कैंसिल, तो क्या बचा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, फोर एक्स स्क्वायर, बात आ रही सही में, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हमें X चाहिए ना, अब निकलेगा X, क्या करूं, इसको ओपन कर लूं, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख दूं, L माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर यहां पर मैं लगा दूं तो यहां रूट आ जाएगा 4x स्क्वायर का, कितना आएगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x आ जाएगा, चेक कर लो, अगर तो प्लस 2x लेते हो तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर प्लस 2x ले रहे हैं तो L आने वाला है 3x और x आने वाला है L अपॉन 3, ठीक है, और अगर आप माइनस टू एक्स लेते हो, क्या ले रहे हो, माइनस टू एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस टू है ना, एल माइनस एक्स अगर माइनस टू लेते हैं तो क्या आने वाला है, चेक करते हैं, तो एल माइनस एक्स इजकस टू माइनस टू एक्स है ये, अब उधर ले गए तो एल इजकस टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स इजकस टू एल, एक्स इजकस टू माइनस एल, ये बात तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या डिस्टेंस माइनस एल हो जाएगी, नहीं ये चीज रॉन्ग है,
यहां पर ये वैलिड आ रहा है क्या, एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री, तो ये जो है इस एल का थर्ड पार्ट तो लग रहा है, इस लाइन का पूरा एल है ना उसका थर्ड पार्ट तो लग रहा है, यही आंसर है, बात समझे। इसका मतलब अगर ये एल बाई थ्री है तो एल माइनस एल बाई थ्री ये कितना आ गया, दोनों डिस्टेंस मिल गया हमें यहां पर, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये ओ और ये ए बी मान ले, है ना, ये ए मान लेते हैं बी, अब ओ ए कितना आ गया, ओ ए आ गया एक्स के इक्वल है तो वो आ गया एल अपॉन थ्री, और ओ बी कितना आ गया, एल माइनस एल बाई थ्री, कितना आ गया थ्री एल माइनस एल, टू एल बाई थ्री, बिल्कुल सही लग रहा है, कंडीशन मैच कर रही है। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर, ये तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा आपको, शॉर्टकट बताऊंगा तो एक लाइन में आंसर। याद रखिएगा, दो अगर पॉजिटिव चार्ज हो और दो ही नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल बीच का मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि वो उसकी डायरेक्ट कहाँ पर रखना है उसको, तो टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड्स स्मॉलर चार्ज शिफ्ट होगा हमेशा, ठीक है। अब देखो, अगर शॉर्टकट निकालना होता, शॉर्टकट तो एक काम करता हूँ, आपने कर तो लिया तो रिमूव कर देता हूँ, फिर शॉर्टकट यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ शॉर्टकट्स कर लेते हैं। अब शॉर्टकट समझना भी जरूरी होता है, बच्चों को शॉर्टकट चाहिए होता है। अब एल बाई थ्री था ना आंसर, शॉर्टकट देखो, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको आंसर निकालना है, क्या निकालना है, एक्स का आंसर निकालना है, तो एक काम करो, रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू टू प्लस रूट क्यू वन, ये क्या था भाई, ये बड़ा आसान है एक्स का, एक्स इज इक्वल टू रूट क्यू वन, क्यू वन कितना है, क्यू वन तो क्यू ही है तो लगाओ क्यू, अपॉन रूट क्यू टू, क्यू वन छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज, और दूसरा होगा बड़ा चार्ज, क्यू टू कितना है, फोर क्यू, लगा दो जी फोर क्यू, प्लस क्यू वन कितना है, फिर रूट क्यू, सॉल्व करो जरा इसको, रूट फोर क्यू, रूट क्यू अपॉन, ये टू रूट क्यू हो जाएगा, टू रूट क्यू, वन रूट क्यू, थ्री रूट क्यू, इन टू एल बी है फॉर्मूले में, ये एल बी है, इन टू एल बी है, बात समझ गए, एल तो चाहिए ना, इन टू एल है ये, इन टू एल कर देता हूँ, एल बी है फॉर्मूले में। अब देखो, इन टू एल बी आ गया, रूट क्यू से रूट क्यू गया तो एल बाई थ्री आ गया, क्या एक्स की वैल्यू एल बाई थ्री आई या नहीं आई, तो आप अपने आंसर को चेक कर भी कर सकते हैं इस तरीके से, बात समझ में आई, चेक करने का तरीका है बहुत आसान, क्या रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू टू प्लस क्यू वन, तो क्यू टू है लार्जर चार्ज, बिगर चार्ज, ठीक है, बिगर चार्ज है क्यू टू, और स्मॉलर चार्ज है Q1, L तो आपको पता ही है, ये टोटल लेंथ है इसकी, बात समझ में आई या नहीं आई, सिंपल था क्वेश्चन ये, तो याद रखिएगा, जब दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के इक्विलिब्रियम ढूंढना हो, तीसरा एक चार्ज रखना हो, तो आप उसके जस्ट इन बिटवीन रखिए, मतलब जस्ट इन बिटवीन का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में तब रखिए जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, और जब मैग्नीट्यूड सेम ना हो, जो चार्ज छोटा हो उसकी तरफ उसको रखिए, उस चार्ज को जो तीसरा चार्ज है उसको उसकी तरफ ज़्यादा रखिए, जिसकी तरफ चार्ज छोटा, क्योंकि वो कम फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, ये तो ज्यादा लगाएगा, तो इससे दूर होना चाहिए, ठीक है, तभी बैलेंस होगा। तो एक काम करते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। अब मैं प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज ना देके प्लस माइनस चार्ज देता हूं, दिमाग लगाओ और शॉर्ट ट्रिक भी बताओ, ठीक है। अब मैं क्या देने वाला हूं, एक प्लस एक माइनस, तो उस पर दिमाग लगाओ जरा क्या है, फिर इक्विलिब्रियम ढूंढो, प्लस प्लस वाले का तो बता ही दिया, माइनस माइनस वाले का बता दिया, बीच में रखना कहीं है ना, चलो प्लस माइनस का करते हैं, आसान है, बिल्कुल आसान है वो भी। अब थर्ड चार्ज क्या करते हैं, एक ले लेते हैं प्लस क्यू, इसको ये लेने देते हैं, एक ले लेते हैं माइनस नाइन क्यू, क्या ले लिया, माइनस नाइन क्यू, चलो ले लिया। अब देखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम कहानी भाई, एल ले लीजिए, डिस्टेंस एल, कहाँ रखें वही चार्ज को, अब मुझे बताइए अगर बीच में चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, बीच में चार्ज अगर मैं यहां रखूंगा तो ये इसको खींच लेगा ही अपनी तरफ, ये कुछ नहीं कर सकता, छोटा चार्ज है ना ये माइनस नाइन वाला, उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, बहुत ज्यादा खींच लेगा। इसका मतलब याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो बीच में नहीं रखना, तो कहीं बाहर ही रख सकते हो, बीच वाला चक्कर खत्म। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो बीच में, नेगेटिव हो तो बीच में कहीं आ सकता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो बीच में नहीं आएगा, बीच की कहानी खत्म कर दो। अब कहां बचा, फिर बाहर का हिस्सा बचा, इधर रखें या इधर रखें, अगर इधर रखता हूं मैं, मान लो मैंने चार्ज को वो प्लस क्यू को यहां रख दिया, ये तो इसको खींच लेगा अपनी तरफ, ये क्या उसको धक्का मार देगा उसकी तरफ,
मतलब ही नहीं है इसके, इतना पावरफुल चार्ज है, इसको ऐसे खींच लेगा, चिपका लेगा साथ में। तो क्या इक्विलिब्रियम में ये चार्ज रहेगा? यहां पर रह ही नहीं सकता, ये खींच लेगा इसको, बोलेगा मेरी तरफ आ जा। ये उसको धक्का मार ही नहीं सकता कि इससे बचा ले, कि ताकि इसमें फोर्स ना लगे। मतलब ये कंडीशन भी वैलिड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़े चार्ज के पास रखोगे तो बड़े चार्ज अपना इफेक्ट दिखाएगा, वो इसकी नहीं चलने देगा। अब उल्टा कर सकते हो, यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज के रख के देखना यार, अब बैलेंस बन सकता है क्या? यहां अब बैलेंस बन सकता है, ये वाला कहा नहीं, ये ए बोल दो, चाहे इसको बी बोल दो, है ना, इसको ओ बोल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां अगर चार्ज रखोगे तो प्लस क्यू उसको चलो धक्का निकाल के माइनस क्यू खींच रहे, तो बहुत दूर है ना वो, उसका इंपैक्ट तो पड़ रहा है लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। अब ये अपना थोड़ा सा प्रभाव इसके ऊपर दिखा सकता है कि तो नहीं जाएगा यहां से, इसका मतलब ये प्लस क्यू जो चार्ज है वो अपनी जगह पे फिक्स रह सकता है, क्योंकि वो छोटे चार्ज के पास है, छोटा चार्ज इसको फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, एफ वन बोल दूं अगर ये वन है, और दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में एफ टू, तो ये फोर्स यहां पर बैलेंस हो सकता है और ये चार्ज अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां के डिस्टेंस को मैं मान लूं एक्स, तो पहले चार्ज की और यहां जो चार्ज रखा है थर्ड चार्ज उसकी डिस्टेंस होगी एक्स, लेकिन दूसरे चार्ज और जहां पर थर्ड चार्ज रखा है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल प्लस एक्स, एम आई राइट? चेक करके देख लो अगर मैं गलत हूं। देखो भाई, ये तो एल है ही है पहले से, क्या ये तो एल है ही है, साथ में एक्स भी जुड़ गया तो एल प्लस एक्स हो गया ना, यहां से क्यू टू से सारी कहानी मिल गई। अब इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ वन एफ टू बराबर करने पड़ेंगे, कर दो, एफ वन इजक्वल टू एफ टू, भाई ये तो कंडीशन लगेगी लगेगी, इजक्वल टू एफ टू है, इक्विलिब्रियम में चार्ज है। अब क्या करें, करते हैं, एफ वन कितना है, इन दोनों के क्या फॉर्मूला था, के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू स्क्वायर, देखो इसके ऊपर चार्ज क्यू, इसके ऊपर चार्ज क्यू, अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी एक्स है, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इन टू, दूसरा वाला देखो, अब किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो के क्यू है इसके ऊपर, इसके ऊपर माइनस नाइन क्यू है, के क्यू इन टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और प्लस ये माइनस नहीं लगाते यहाँ पर, नाइन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना, फोर से माइनस नहीं लगाते, अपॉन आर है एल प्लस एक्स, तो इन दोनों के बीच का एल प्लस एक्स, ठीक है, एफ नेट जब जीरो लाना है। तो अब आ गया आंसर, अब देखो यहां से काट देता हूं, के से के, क्यू से ए क्यू, और दूसरा क्यू इस क्यू से, तो क्या बचा, क्या लिख सकते, एल प्लस एल ऊपर ले, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स के ऊपर भी स्क्वायर रहता है, ऊपर इकट्ठा स्क्वायर दे दूं, इतना समय में आई रहा है, ट्वेल्थ क्लास में हूं, एल प्लस एक्स ऊपर और अपॉन एक्स है दोनों का स्क्वायर एक जगह, इक्वल टू नाइन है तो नाइन लिख देते हैं, आप इसको हटा देते हैं, तो एल प्लस एक्स अपॉन कितना बचा, एक्स इजकल्स टू प्लस माइनस थ्री बचा, रूट आ गया ना इसके ऊपर, प्लस माइनस थ्री आ गया, एक बारी प्लस से एक बारी माइनस से करते हैं, ठीक है, तो एक बारी आएगा एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू क्या, प्लस थ्री, तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले एल प्लस एक्स इजकल्स टू थ्री एक्स, तो एल इजकल्स टू थ्री एक्स माइनस एक्स, मतलब टू एक्स आ गया, तो टू एक्स इजकल्स टू एल, ठीक है, और एक्स इजकल्स टू एल बाई टू, एक्स एल बाई टू हो सकता है, दूसरा वैल्यू रख देते माइनस थ्री, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इजकल्स टू माइनस थ्री भी रख के देख लेते हैं, तो एल प्लस एक्स इजकल्स टू माइनस थ्री एक्स, ये नहीं हो सकता, एक्स उधर गया तो एल इजिकल टू माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, तो एल इजिकल्स टू माइनस फोर एक्स, एक्स आ गया माइनस एल बाई फोर, ये तो हो नहीं सकता, एक्स कभी माइनस में नहीं आता, वो तो फालतू में है, एक्स इजकल्स टू एल बाई टू हमें आंसर मिल चुका है, क्या मिल गया, एक्स है एल बाई टू, तो ये हो गया एल बाई टू, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, कहाँ लिखूँ मैं, ठीक है, ये एल बाई टू है और ये एल प्लस एल बाई टू तो कितना हो गया, थ्री एल बाई टू, बात समझ गए, ठीक है, समझ में आ गया, एक्स और उसकी वैल्यू निकल गई, क्या पूछा था इन्होंने, ये तो पूछा था थर्ड चार्ज कहाँ रखें, थर्ड चार्ज आप यहाँ से कहाँ रखेंगे, एल बाई टू की डिस्टेंस पे रखेंगे, और अगर यहाँ से है तो एल बाई टू प्लस एल, तो थ्री एल बाई टू पे रखेंगे, ठीक है, तो ये अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट करते हैं, चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या सच में यही है,
कितनी आई है, एल बाई टू आई है ना, देखते हैं शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रैक्स तो सब कुछ चाहिए, शॉर्टकट इसी के लिए ही तो आंसर चेक भी हो सकता है आपका। शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या करें, शॉर्टकट करें अंडर रूट क्यू वन, छोटा चार्ज है ये, फिर दोबारा अपॉन क्यू टू माइनस क्यू वन इन टू एल, चेक कर लेते हैं आंसर, ये एक्स के इक्वल है, ये स्मॉलर चार्ज है, स्मॉल चार्ज, और ये दूसरा वाला लार्जर है, है ना, बिगर चार्ज है, बिग चार्ज या जो बड़ा चार्ज है। अब देखो x की वैल्यू निकालते हैं जी, रूट क्यू वन, रूट लगा दिया, क्यू वन तो क्यू ही है, चेक कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो ये क्यू वन तो क्यू ही है, अपॉन रूट क्यू टू, क्यू टू है नाइन क्यू, चेक कर लो डिसमें आ रहा, माइनस रूट फिर क्यू वन तो माइनस रूट क्यू इन टू है एल इज इक्वल टू रूट क्यू अपॉन थ्री क्यू हो जाएगा, ये थ्री बाहर आ गया, थ्री क्यू रूट क्यू माइनस रूट क्यू हो गया टू रूट क्यू इन टू एल, इससे ये कैंसिल, तो एल बाई टू आया माई डियर स्टूडेंट या नहीं आया। जिस बच्चे को अपने, जिस स्टूडेंट को अपने आंसर पे लगे कि डाउट है, आप एक काम करिए, शॉर्ट ट्रिक लगाइए, दो मिनट में आंसर पाइए। तो याद रखिए यहां से कहानी आपको ये समझ में आई कि तीसरा चार्ज जब पॉजिटिव और नेगेटिव रखते हैं तो तीसरा चार्ज आउटसाइड रखा जाता है, लेकिन छोटे चार्ज के साथ, आउटसाइड रखा छोटे चार्ज के साथ, अगर इनसाइड रखना है तो भी छोटे चार्ज के साथ, कहानी सेम है। जो तो थर्ड चार्ज है, अगर प्लस और माइनस है, अगर थर्ड चार्ज आप रख रहे हैं तो थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, आउटसाइड रखना है, ठीक है, थर्ड चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड नियर, नियर स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज के पास आप उसको रखेंगे, कहाँ रखेंगे, छोटे चार्ज के पास रखें, ताकि वो अपना इम्पैक्ट दिखा पाए, अगर बड़े के पास रख दोगे तो इसकी चलने नहीं देगा, तो कहीं बैलेंस नहीं मिलने वाला, कहीं पर इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आज की कहानी यहाँ होती है फिनिश माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश की है, बहुत अभी बचे होंगे, आप एक काम करिए बुक से न्यूमेरिकल्स लगाइए, मैंने एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो बताया उस पर न्यूमेरिकल्स कराए हैं थोड़े, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन रहे, और न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी तो कवर होएगी है पूरी आपकी। और एक काम करिए, आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बाकी मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप तैयारी जैसे स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, हमारी हर मेरी जब मान लो फर्स्ट चैप्टर आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं तीसरी वीडियो पे डायरेक्ट आ जाइए तो प्रॉब्लम आने वाली है, पहली वीडियो फिर दूसरी फिर तीसरी वीडियो, ऐसे इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।